नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चार दिवसीय नानी बाई मायरा का कथा के तीसरे दिन उमड़ा आस्था का जन सैलाब, श्रोताओं को भावुक कर दिया। उन्होंने सास बहू के संबंधों के आधार पर ही पारिवारिक जुड़ाव स्थायी रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि सास उसकी बहू को बेटी और हर बहू अपनी सास को माँ समझे तो स्वर्ग कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर घर ही स्वर्ग के समान हो जाएगा। नरसी की कथा सुनाते हुए कहा कि नरसी को मायरी की पत्रिका और मांग की चिट्ठी समधी की ओर से भेजकर नीचा दिखाने का प्रयास किया। नरसी ने सांवलिया की शरणागति के आत्मवत में सारी तैयारी की और नगर अंजार चले गए। मार्ग में अनेक कथा के दूसरे दिन के कथावाचिका मोनिका शर्मा ने कहा कि भगत नरसी मेहता ठाकुर जी के भरोसे नगर अंजार पहुंच गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि सांवरिया सेठ नानी बाई का मायरा जरूर भरेंगे। साधु संतों के साथ नरसी जी को देख सगे संबंधियों ने हंसी और बुराइयों में कमी नहीं रखी। कथा में टूटी टूटी गाड़ियां, लंबी लंबी दाढ़ी आ गए। नरसी जी भजन सुनाया तो पंडाल गूंज उठा। वाचिका ने प्रसंग में कहा कि नरसी जी का किसी ने आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि नरसी जी मायरा नहीं लाए थे, भाई बंधु भी साथ में नहीं आए। ऐसा जानकर मायरे का डेरा गाँव के बाहर दिलाया, यहाँ तक कि नरसी जी को बासी भोजन परोसा गया। नरसी जी ने भगवान को याद किया तो भोजन ताजा बन गया। अब मायरा भरने का समय आया तो भक्त नरसी मेहता ने भगवान का गुणगान गाया तो ठाकुर जी ने अपना रथ सजाया और जो सगे संबंधियों ने हंसी करके मायरे की पानखड़ी लिखी थी वो ठाकुर जी ने मायरा अपने रथ में सजाया और भगवान सांवरिया सेठ राधा रुक्मणी और परिवार के साथ में लिया। चार घोड़ा रो रथड़ो सजायो भजन गाया तो पंडाल में भक्त थिरकने लगे। कथा में लाड़कुई सहित आसपास के गांव से भक्त कथा सुनने बड़ी संख्या में पहुंचे। नसुलागंज से संवाददाता पवन माहेश्वरी की खास रिपोर्ट। हड़ हड़ से भारी नानी बैरो सा